हेलो स्टूडेंट, हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे गुरु नीति के फोर नंबर ऑलरेडी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। फोर नंबर जो गुरु नीति का जो वीडियो था जेई का, उसमें हमने बात की थी हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन के हमने जेई मेन लेवल तक के कंसेप्ट वहां डिस्कस किए थे। जैसा आप सभी को पता है, माइसेल पारसी देहीवाल और मेरे साथ है नदीम सर, माइसेल नदीम। तो आज हम बात करेंगे इसकी, और थोड़ा सा यहाँ जो क्वेश्चंस का लेवल है वो जेई मेन लेवल के साथ साथ थोड़े से एडवांस लेवल की भी हमने क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि फिर वही बात, हमारा मोटो क्या है वीडियो देने का, केवल क्वेश्चन प्रोवाइड करवाना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तो किसी भी बुक में किसी भी साइट पे आपको ऑलरेडी अवेलेबल हो जाएंगे। हमें उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जितने कंसेप्ट है वो सारे कंसेप्ट आपको बताने हैं, कि ज्यादा से ज्यादा आप कंसेप्ट सीख पाओ और आप एक कंफर्ट जोन में आ जाओ हाइड्रोकार्बन को लेके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट रिएक्टिव विद HBr के साथ अधिक क्रियाशील है। तो यहां पे HBr के साथ रिएक्शन हमें दिया है आइसोब्यूटीन, ट्रांसब्यूटीन, स्टायरीन, और ये मतलब एल्कीन दी हुई है। सही बात। तो एल्कीन के साथ आपको पता है एल्कीन की जो करेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन होती है वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पाई बॉन्ड की जो करेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है वो एडिशन रिएक्शन होती है। पाई बॉन्ड पे एडिशन होता है, पाई बॉन्ड टूटता है और दो नए सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। एक बेंजीन और एरोमेटिक कंपाउंड नहीं देते हैं, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं, रेजोनेंस एनर्जी से वो स्टेबल होते हैं। तो एल्कीन की जो सबसे पहले देखें, इसकी जो करेक्टरिस्टिक रिएक्शन है वो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब यहां सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो जैसे जैसे जितनी ज्यादा कार्बन इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो किसी एक में इलेक्ट्रॉन आपको रोटेट करने हैं, फिर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर जाएगा। ये इसकी स्लो और आरडीएस स्टेप होती है। अब इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन इस वे से मूव करने हैं कि लेफ्ट बिहाइंड मस्ट बी स्टेबल कार्बोकेटायन। वो कार्बोकेटायन क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। तो यहां ये बना ये इलेक्ट्रोफाइल और ये कार्बोकेटायन, ये इंटरमीडिएट बना, और जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही क्या होगा, फास्ट होगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले पाई बॉन्ड मच रिच होना चाहिए, पाई बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे ये जो केस दिए HBr में भी, पहले HBr में कौन अटैक कर जाएगा, पहले H+ अटैक कर जाएगा, तो इनमें भी हमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन चेक करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले दिया आइसोब्यूटीन CH3 डबल बॉन्ड CH2 HBr में से अटैक कौन करेगा, H+, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर और ये H+, तो यहां ये और ये कार्बोकेटायन बन जाएगा। सेकेंड स्टायरीन, अब ये कॉमन नेम है तो इसमें स्टायरीन की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, ये CH2 और ये H+ और ये अटैक कर जाएगा, तो ये PHCH और ये CH3। PH का मतलब ये कौन सी है, ये रिंग है, बेंजीन रिंग है। सेकेंड आपको ट्रांसब्यूटीन दिया है, थर्ड आपको सिस्टूब्यूटीन दिया है। अब यहां पे देखो, यहां कार्बोकेटायन हाइपरकॉन्जुगेशन से स्टेबल है, यहां भी हाइपरकॉन्जुगेशन से स्टेबल होगा, क्योंकि यहां जो कार्बोकेटायन बनेगा वो ये वाला बन जाएगा, यहां भी ये वाला बन जाएगा। जब कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी सेम आ जाए तो लेस स्टेबल एल्कीन मोर रिएक्टिव। सही बात। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी यदि सेम आ जाए तो लेस स्टेबल एल्कीन मोर रिएक्टिव। तो यहां कार्बोकेटायन की दोनों केस में स्टेबिलिटी सेम आई है, बट यहां पे लेस स्टेबल कौन है, सिस। तो सिस ट्रांस से क्या होगी, ज्यादा रिएक्टिव होगी। तो एक तो मैं ये बोल दूं कि फोर्थ ज्यादा रिएक्टिव हुआ किससे, थर्ड से। अब स्टायरीन की बात करें तो यहां तो कार्बोकेटायन रेजोनेंस से स्टेबल हो रहा है, और रेजोनेंस से बड़ा कोई नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, रेजोनेंस से स्टेबल हो रहा है, तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन यहां बना है, इसका मतलब मोस्ट रिएक्टिव तो कौन होने वाला है, स्टायरीन है, क्योंकि कार्बोकेटायन यहां स्टेबल बना है। इसकी बात करें तो ये उसके बाद सेकंड मोस्ट स्टेबल, उसके बाद फर्स्ट, क्योंकि यहां कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर भी हो गया और कंसेप्ट भी हमने बता दिया। सबसे पहले आप देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी सेम आ जाए तो फिर आपको चेक करना है स्टेबिलिटी ऑफ एल। तो स्टायरीन मोस्ट रिएक्टिव। नेक्स्ट, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और स्टीरियो से रिगार्डिंग यहां से जेई में क्वेश्चन आया हुआ भी है, और इसको हम क्लियर भी करते हैं। देखो, आपको यह पता होना चाहिए कि हेलोजन का जो एडिशन होता है ना, वो एंटी एडिशन होता है।
मतलब आप डबल बोन पे अगर एडिशन करवाते हो तो डबल बोन पे एडिशन एक बीआर ऊपर की तरफ और एक बीआर नीचे की तरफ, इसको हम बोलते हैं एंटी एडिशन। तो इसका पता होना चाहिए आपको कि बीआर टू का एडिशन एंटी होता है, ये मैकेनिज्म से इसको आ जाता है। अब यहां पे मैं एक आपको क्वेश्चन निकालने का सीधा सा तरीका बताता हूं, उस कंसेप्ट को समझिए, आपका क्वेश्चन नहीं अटकेगा। देखो आपके पास इधर तो होगी एल्कीन और इधर है रिएजेंट, और जो रिएजेंट है ना वो यहां रिएजेंट अपना है कौन, हैलोजन। एल्कीन कितने वे की हो सकती है, एल्कीन आपकी हो सकती है सिन, मतलब सिस, सिन का मतलब सिस। अब रिएजेंट का एडिशन दो तरीके से हो सकता है, ठीक है, यदि रिएजेंट का एडिशन एंटी हुआ हो या रिएजेंट का एडिशन सिन हुआ हो। तो हमने तो यहां हेलोजन लिया है, हेलोजन का एडिशन एंटी होता है, जैसे H2 का एडिशन सिन होता है H निकिल H2 में, तो यहां सिन पे एंटी एडिशन और सिन पे सिन एडिशन, एक पॉसिबिलिटी आ सकती है सर। दूसरी, अगर एल्कीन आपकी एंटी हो मतलब ट्रांस एल्कीन हो, तो इस पे भी दो पॉसिबिलिटी आ सकती है, एंटी पे एंटी रिएजेंट एंटी वाला हो या सिन एडिशन हो। तो इसका सिंपल सा कंसेप्ट है, सिन पे एंटी एडिशन होता है तो बनता है थ्रियो पेरोप एनेंचोमर, मतलब बनता है थ्रियो पेरोप एनेंचोमर। क्या बनता है, थ्रियो पेरोप एनेंचोमर। यदि सिन पे सिन एडिशन हुआ है तो फिर दो पॉसिबिलिटी आ जाती है, या तो इरिथ्रो पेरोप एनेंचोमर, या फिर क्या बन जाएगा सर, मीजो बन जाएगा। समझना, मैं इसको अप्लाई करूंगा पूरा, ये पूरा कंसेप्ट मैं आपको लेके जाऊंगा। एंटी पे एंटी करेगा तो वही कहानी होगी जो सिन पे सिन हो रही है, ये एंटी पे एंटी, तो यही सेम, मतलब इरिथ्रो उल्टा कर देना उसका, या फिर मीजो, सेम जैसा सिन पे सिन है वही आंसर यहां एंटी पे एंटी। एंटी पे सिन या सिन पे एंटी तो भी बात वही है, थ्रियो पेरोप एनेंचोमर। अब बात यह आती है कि इरिथ्रो कब बनेगा और मीजो कब बनेगा, इसमें तो एक ही बन रहा है, थ्रियो पेरोप एनेंचोमर बन रहा है। इरिथ्रो कब बनेगा, इरिथ्रो कब बनता है, जब आपका या तो एल्कीन या रिएजेंट दोनों में से कोई एक एसिमेट्रिक हो, तब इरिथ्रो बनेगा, अदरवाइज मीजो तक चला जाएगा। अब इरिथ्रो किसको बोलते हैं, थ्रियो किसको बोलते हैं, वैसे तो हमने ये कांसेप्ट आपको आइसोमेरिज्म वाले में बता चुके हैं, फिर भी बता दें कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे यदि सेम ग्रुप सेम साइड हो तब तो इरिथ्रो, और यदि सेम ग्रुप अपोजिट साइड हो तो थ्रियो। तो आप इस वे से क्वेश्चन को लेके जाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि मीजो तक गया या इरिथ्रो बना, ठीक है, ये तो है कंसेप्ट। अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे आपको ये दिया हुआ है, ये कौन सी है एंटी और सिमेट्रिक है, दोनों मतलब पार्ट सेम है सिमेट्रिक, और बीआर टू का एडिशन भी कैसा एंटी हो गया। अब एंटी पे एंटी करवाओ तो मैंने बोला या तो इरिथ्रो बनेगा या मीजो बनेगा, तो कुछ नहीं है सी एच थ्री, ये सी एच थ्री, इरिथ्रो बनाना है तो बीआर बीआर का रखना है सेम साइड, ये एच एच। अब आपने इरिथ्रो में बीआर बीआर को सेम साइड रखा, अब इसमें प्लेन लग रही है तो इरिथ्रो कहां तक चला गया, मीजो तक चला गया, और ये मीजो एक सिंगल प्रोडक्ट आने वाला है। अब अगर मैं इसको ऐसे देता ईटी, ये सी एच डबल बोन और ये सी एच थ्री एच, ये अब भी एंटी है बट अब ये एसिमेट्रिक हो गई, और इसका एडिशन अब भी कैसा होना है, एंटी एडिशन ही होना है। अब एंटी पे एंटी, अब इसी वे में लिखूंगा ना ईटी सी एच थ्री बी आर बी आर ये एच, तो आप देखो इरिथ्रो तो बनाया मैंने लेकिन प्लेन, इसमें प्लेन नहीं है, तो इसकी क्या बन जाएगी, मिरर इमेज बन जाएगी, तो इसको बोलूंगा इरिथ्रो पेरोप एनेंचोमर। इस वजह से करना है थ्रियो, थ्रियो का भी केस बता देता हूं, जैसे ये लिया सी एच थ्री एच डबल बोन्ड सी एच थ्री एच और ये बी आर टू, तो ये सिन ये एंटी, क्या करना है आपको सेट करना है, सिन पे एंटी तो थ्रियो, सिन पे एंटी तो थ्रियो, एंटी पे सिन तो थ्रियो, तो यहां पे आपको थ्रियो बनाना है, तो सी एच थ्री अब बी आर बी आर को क्या रखना है अपोजिट एच एच, अब इसमें प्लेन नहीं लगेगी तो इसकी मिरर इमेज एनेंचोमर बन गया, ये वाला एनेंचोमर बन गया। तो अगर ये रहता तो कहने का मतलब आंसर कितना हो जाता, दो हो जाता, क्यों दो हो जाता, अगर सीन देता तो आंसर दो हो जाता। और इसका भी देखो दो ही आ रहा है, और ध्यान रखना कि इसका भी कितना आएगा, दो ही आएगा, जबकि ये भी क्या है एंटी है, बट जैसा कि बताया गया है कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं लग रही, तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो गया, तो इसका एक मिरर इमेज आ जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
तो इसमें भी देखो आप, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, HBr peroxide है। अब आप जानते हो, देखो वैसे तो किताबों में लिखा है मार्कोनी एंटी मार्कोनी, ये क्वेश्चन का आंसर मार्कोनी का एंटी मार्कोनी का डायरेक्ट भी आ जाएगा, लेकिन एहतियात ये आपका है कि आप तो ऐसा करो ना कि गड़बड़ ना हो। तो सभी को पता है कि इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बनता है और अटैक किसका होता है, बी आर फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। अब इसमें देखो बी आर, अगर मैं इसका फ्री रेडिकल बनाऊं तो बी आर फ्री रेडिकल दो पॉसिबिलिटी है, जैसे मान लेते हैं इसको दो पॉसिबिलिटी है, जैसे मान लो यहां पे अगर मान लो हमने बी आर लगा दिया तो फ्री रेडिकल ये बना, और दूसरा दूसरा ये बन गया, दूसरा यहां से बी आर रेडिकल इस पाई बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे, होमोलाइटिक क्लीवेज करेंगे, तो रेडिकल ऊपर की तरफ जनरेट हो सकता है, नीचे की तरफ जनरेट हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी मैंने चेक कर ली। बट इसमें ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखने बात यही है कि इसमें बी आर रेडिकल पहले अटैक करता है। अब ये करने के बाद बी आर रेडिकल ने अटैक किया तो अब जो एच रेडिकल आएगा वो यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, बट आपको उस वे से रिएक्शन करानी है कि लेफ्ट बिहाइंड फ्री रेडिकल मस्ट बी स्टेबल। बीआर रेडिकल का अटैक करवाने के बाद जो पीछे रेडिकल बनेगा वो स्टेबल होना चाहिए। तो ये वाला रेडिकल ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसके पास दो यहां, एक यहां, तीन यहां, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ऐसे भी कह सकते हैं। अब इसपे एच रेडिकल क्या कर जाएगा, अटैक कर जाएगा, तो एंटी मार्गोनिक रूप से बन गया बीआर, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे गया है जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है। ऐसा अगर हम ऑप्शन चेक करेंगे तो ऐसा ऑप्शन है थर्ड, थर्ड इज करेक्ट आंसर। रिएक्शन है फ्री रेडिकल एडिशन, एंटी मार्गोनिक को फॉलो करती है, बट रिएक्शन को करना कैसे है, पहले बीआर रेडिकल का अटैक करवाओ, पाई बॉन्ड को ब्रेक करो, पीछे बचने वाला रेडिकल स्टेबल होना चाहिए, उसके बाद एच का कर लो, उसके बाद देख लो एंटी मार्गोनिक को बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन R1, R2, R3 इन रेस्पेक्टिवली। आपको देखो HBr H2O दिया, HBr CH3OH दिया, HBr D2O दिया, HBr इन H2O, HBr इन CH3OH और इन D2O, तो CH3OH, D2O और H2O दीज आर पोलर सॉल्वेंट। ये सब कैसे सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट है। अब ये तो डबल बॉन्ड तो देता कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, मतलब कौन अटैक करेगा, H प्लस अटैक करेगा, और H प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड से आएगा, HBr यहां स्ट्रॉन्ग एसिड है, यहां से ये क्या फ्री कर देगा, H प्लस फ्री कर देगा। तो इस क्वेश्चन को लगाते हैं अपन, देखो कैसे लगाते हैं, ये क्वेश्चन है आपके पास, HBr ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो पहले H+ ने अटैक किया, स्टेबल कार्बोकेटायन मुझे रखना है, और ये H+ क्या कर गया, अटैक कर गया, तो ये बन गया CH3 और ये H और ये पॉजिटिव। अब इस पे अटैक करने के लिए कौन कौन है, एक तो Br- है और वाटर, और एक वाटर है। अब वाटर, वाटर भी अटैक कर सकता है, Br- भी अटैक करता है, मेजर किससे बनेगा, इस Br- का तो वाटर क्या कर देता है, हाइड्रेशन कर देता है, मतलब इसके चारों तरफ वाटर ने इसको पकड़ लिया है, चारों तरफ हाइड्रेशन कर दिया, तो ये तो हाइड्रेशन हो गया, और हाइड्रेशन होने से इसकी न्यूक्लियर प्रेसिटी कम हो गई, तो अटैक कौन करेगा, H2 अटैक कर जाएगा, यहां पे H2O में से अटैकिंग स्पीसीज मान लो OH- अटैक करेगा, यही वाला फिर H+ बाहर हो जाएगा, जैसा डायरेक्ट बता दिया है, CH3 और ये OH, दैट्स आंसर। सेकंड में भी ऐसा ही होगा, वही HBr और फिर आपको D2O दिया है, अदर सोलवेंट पोलर करता है तो उसको सोल्यूशन बोल देते हैं। अब CH3OH क्या कर जाएगा, अटैक कर जाएगा, ये अटैक कर जाएगा, तो ये बन जाएगा फाइनली प्रोडक्ट, ये CH3 और ये OH और ये CH3 और फिर ये H+ क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ऐसे अगर बात करें, एक आपको दिया है HBr D2O, तो पहले H+ अटैक करेगा, तो यही बन जाएगा H+ अटैक CH3 और इधर OD और ये H, तो ये तीन आंसर आएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, रिएक्शन का कंसेप्ट क्या है, कंक्लूजन कंक्लूड कर देता हूं मैं रिएक्शन को। पहले H+ अटैक किया, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, कार्बोकेटायन जनरेट हो गया, उसके बाद
दो के बीच कंप्रेशन हो गया, Br- अटैक करे या जो सॉल्वेंट है वो खुद अटैक करे, तो जो नेगेटिव पार्ट है Br- जो सब में है उसका सॉल्वेशन हो गया है, मतलब उसका हाइड्रेशन या सॉल्वेशन, मतलब जो सॉल्वेंट है वो उसने उसको पकड़ लिया है, उसका साइज बल्की हो गया है, इसलिए वो अटैक नहीं कर पा रहा है। तो अटैक कौन करेगा? सॉल्वेंट यहां पे अटैक कर जाएगा और सॉल्वेंट का नेगेटिव पार्ट जो है वो जुड़ जाएगा। अच्छा, एक एक इसमें जैसे कभी कभी बच्चे जैसे सवाल दिया भी रहता है, जैसे मान लो यहाँ पे सिर्फ लिख दिया H2O, इसमें वहां H2O भी तो है ना, सिर्फ H2O, कहेंगे सर ये बना देते हैं ऐसे इसमें, जबकि हम लोग अभी ये बात सर ने बोला भी है, इसमें डायरेक्ट कोई रिएक्शन नहीं होगा। डायरेक्ट क्यों नहीं होगी? इसका रीजन सुन, सुनो भाई, अगर इस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो डेफिनेटली ये पाई बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। बिल्कुल भाई, ये इलेक्ट्रोफाइल है तो पाई बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब ये अभी H2 क्या है? न्यूक्लियोफाइल, और ये भी क्या है? न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल कैसे रिएक्शन करेगा? अब आप बोलोगे तो यहां से H2O इतना स्ट्रॉन्ग एसिड भी नहीं है कि यहां से H+ दे दे पहले अटैक कर लेगा। H+ का अगर H2O, आप सभी को पता है कि 10^-7 मोलर कंसंट्रेशन होता है, पीएच आपको पता है H2O कितना होता है, 7, तो बहुत ही कम है H+ इसमें, इसीलिए आप देखोगे एनसीईआरटी में सर लिखा हुआ है एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन, हां एसिडिक, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, वहां ऐसे दिया होगा H+ फिर वाटर डाला होगा, हां तो पहले H+ अटैक करता है, उसके बाद H2O अटैक कर जाएगा। तो उसी तरह डायरेक्ट अब मिथाइल का अल्कोहल का भी नहीं होगा डायरेक्ट, ना डायरेक्ट D2O का होगा, बीच में लाइट का डिस्टरबेंस हुआ है तो हो गया। तो ये चीज है कि CH3OH और ये है सॉल्वेंट है, ये वाले क्या कर जाएंगे? अटैक कर जाएंगे। क्लियर? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच रिएजेंट इज बेस्ट टू परफॉर्म द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन? तो एक एक करके बता देते हैं सर सारा। तो जैसे कि देखो, पहले पहला वाला देख लो, HBr के साथ, अब हम लोग अभी अभी डिस्कस हुआ है HBr के साथ रिएक्शन इसका, तो अगर इस पर पहले HBr का रिएक्शन कराओगे, मैं मेजर प्रोडक्ट डायरेक्ट बना दे रहा हूं इसमें, यहां मार्गोनिक कार्बन से भी आ जाएगा। अब अगर आप इसमें NaOH डालते हो तो NaOH से क्या हो जाएगा? Br को हटा के OH सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। ये हमारा एंड, अब एंड प्रोडक्ट तो हमारा नहीं है, इससे तो नहीं होगा। हां, दूसरा वाला देखिए सर, मतलब बता दिया हमने कि पहले HBr से मार्गोनिक अप्रोच से हमने जोड़ दिया, फिर OH- अटैक करके इस Br को क्या कर देगा? बाहर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो जाएगी, तो ये बन जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन को, चेक करते हैं कि सेकंड ऑप्शन अपना आता है या नहीं आता। तो सबसे पहले HBr और ये प्रोक्साइड, दिस इज प्रोक्साइड, ठीक, ये प्रोक्साइड है, और अभी मैंने बोला था प्रोक्साइड में एंटी मार्गोनिक से फ्री रेडिकल, याद फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल एडिशन होता है, याद फ्री रेडिकल रखना है। तो यहां ये अभी हमने करवाया भी है HBr R2O2। एक चीज और, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म प्रोक्साइड की प्रेजेंस में हाइड्रोजन हैलाइड में केवल HBr देता है, HBr ही देता है, सही बात। मतलब मैं एक लिंक बना देता हूं क्योंकि आगे क्वेश्चंस इस पे आएगा तो उसको समझे भाई। आपको दिया HClR2O2 प्रोक्साइड, HBr R2O2, HIR2O2, ये दिया हुआ है, समझ आगे बात। तो यहां पे इस कंडीशन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी, यहां होगी फ्री रेडिकल एडिशन, और यहां इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो केवल HBr R2O2 में फ्री रेडिकल एडिशन होता है, क्योंकि इनके केस में इस जो स्टेप है वो एंडोथर्मिक आ जाती है, जो चेन प्रोपेगेशन स्टेप होती है आप जानते हो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में। तो इसके लिए आप एक क्वेश्चन भी शायद सर पूछा ही हुआ है, तो चेन प्रोपेगेशन की जो दो स्टेप होती है वो HBr के लिए ही एक्सोथर्मिक होती है, जबकि इन दोनों के लिए वन ऑफ द स्टेप क्या होता है? एंडोथर्मिक। तो आगे तो वो फिर क्या करता है? कार्बोकैटायन मैकेनिज्म के थ्रू जाने लगता है। तो ये मैं ये बोल रहा हूं कि HCl प्रोक्साइड दे दो या केवल HCl दे दो, हाँ सेम आए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। HI प्रोक्साइड दे दो या केवल HI दे दो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन आएगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में पहले H+ अटैक करता है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, कार्बोकैटायन के थ्रू रिएक्शन होती है, ठीक है? पहले H+ फिर कार्बोकैटायन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब इसमें HBr प्रोक्साइड में फ्री रेडिकल एडिशन होती है, पहले Br रेडिकल अटैक करता है,
और सेकंड नंबर पे एच रेडिकल अटैक करता है, बीआर रेडिकल का अटैक कराओ तो पीछे बचने वाला फ्री रेडिकल स्टेबल होना चाहिए, इसमें एच प्लस का अटैक करवाओ तो पीछे बनने वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल होना चाहिए, और अगर केवल एच बीआर दिया है तो फिर वही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो हमें यहाँ पे ये कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है, आगे क्वेश्चंस आएंगे इसके। तो अब मैं बात करता हूँ प्रोक्साइड की प्रेजेंस में एचबीआर दिया है तो वही एंटी मार्कोनिकोप या फ्री रेडिकल एडिशन, फ्री रेडिकल में एडिशन रिएक्शन, तो यहाँ ये बन जाएगा। अब आगे दिया है लाइट की लाइट रिएक्शन एक ही हो गया है तो पूरा एक ही प्रोसेस हो गया। फिर ये दिया है आपको बल्की बेस, बल्की बेस पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, फेमस हाँ, है बिल्कुल बहुत फेमस है, इतना बल्कि बेस है ये CH3, ये CH3 और ये CH3 O माइनस के प्लस, और ये एल्किल हैलाइड के साथ एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है, एल्किल हैलाइड के साथ ये एल्किल हैलाइड बन गया ना, एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है। इसकी खासियत क्या है, लेस हिंडर्ड बीटा हाइड्रोजन रिमूव, मतलब ये वाला जो है वो रिमूव लेस हिंडर्ड बीटा हाइड्रोजन मैकेनिज्म जाएगी E2। ये आगे वाले अपने चैप्टर में आएंगे E1 E2 के क्वेश्चन तब बात करेंगे। एक्चुअली लेस हिंडर्ड क्यों बोला गया है, क्योंकि ये खुद बहुत ज्यादा हिंडर्ड है ना, तो जहां भीड़ कम होगी उधर से एच निकल के अटैक करेगा, तो उस बीटा हाइड्रोजन पे कराना है जो लेस हिंडर्ड हो। जैसे मैं बात करूं ये वाला कार्बन हो गया अल्फा, ये बीटा और ये बीटा, बीटा एच और ये बीटा, तो ये बीटा और ये बीटा, अब किस बीटा हाइड्रोजन लेस हिंडर्ड, ये 3 डिग्री पे लगी हुई है 2 डिग्री पे, तो ये लेस हिंडर्ड है, इसको हटाएगा और यहां से ये बॉन्ड और बीआर क्या हो जाएगा बाहर, मतलब एचबीआर को क्या कर देगा बाहर, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, और फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला बन जाएगा और ये हमारा प्रोडक्ट बना। खैर यही है, बनाना भी यही है हमें, तो खैर आंसर तो सेकंड आ ही गया हमारा, सेकंड आ गया, सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये बड़ा ही खतरनाक टाइप का क्वेश्चन, पहले बता देता हूं घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख के, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, मेन लेवल का क्वेश्चन नहीं है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन हमने इसलिए दिया है कि इसमें हमें कुछ चीजें बच्चे को बतानी है जो वहां वो कंफ्यूज होता है, उसका कंसेप्ट हमें देना है। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मानो तो आप ये मानो इस पेपर का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। अब आप देखो BF3 है लेविस एसिड, और लेविस एसिड है तो जब एल्कोहल की रिएक्शन आप लेविस एसिड से कराते हैं तो इस OH को हटा के कार्बोकेटाइन क्या कर देता है, जनरेट कर देता है OH माइनस, ये क्या हो गया लेविस बेस, तो ये कार्बोकेटाइन जनरेट कर देता है, तो BF3 पहले यहां कार्बोकेटाइन जनरेट करेगा। अब आप देखो ये अबाउ द प्लेन बिलो द प्लेन ये सब चल रहा है, बट जैसे ही यहां कार्बोकेटाइन आएगा प्लेनर हो जाएगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। तो हम इसको एक अगले पेज में ले लेते हैं जिससे इजी हमें समझ में आ जाए, खाली पेज ले लेते हैं, तो ये बनाना पड़ेगा, ये बन गया चेक कर लेते हैं अपनी स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये OH ये BF3 इसको क्या कर देगा ये हटा देगा और ये बन जाएगा। अब जैसे ही कार्बोकेटाइन बना आपको साइड में दी हुई है रिंग, तो हमें पता है कि रिंग के साथ ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल, बट यदि कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट होता है, सही बात। तो यहां रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है या नहीं है वो चेक करेंगे, तो है 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, और 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद ये बन गया रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो गया सर। अब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया, यहां रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं था। अब इसके साथ सर दी हुई है ये रिंग, ये CH3, तो ये तो हो गया इलेक्ट्रोफाइल, सही बात, और ये देता है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एरोमेटिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, CH3 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, एक्टिवेटिंग है, रिंग को एक्टिव करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी के लिए क्या कर रहा है रिएक्टिव हो रहा है, प्लस एच प्लस आई, प्लस एच लग रहा है, प्लस आई लग रहा है, और मैं बोल रहा हूं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है,
ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, तो ऑर्थो या पैरा तो बल्कि है तो ऑर्थो पे जाएगा, पैरा पे जाएगा, तो ये पैरा पे क्या कर जाएगा, अटैक कर जाएगा और यहां से H+ बाहर हो जाएगा, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक इलेक्ट्रोफाइल ने दूसरे H+ को बाहर कर दिया, सब्स्टिट्यूशन कर दिया। तो जो प्रोडक्ट बना ना वो ये बना सर, CH3 ये रिंग, उसके बाद ये यहां से ये वाला प्रोडक्ट बना है, मैंने यहां से जोड़ दिया, आप देख लें पोर्शन वगैरह सब सेम है, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1-2 पे है, तो ये 1-2 पे ये बन गया। अब इसके ये प्रोडक्ट बनने के बाद इसके रिगार्डिंग पूछा क्या है क्वेश्चन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बन गया। अब देखो एक चीज हो, जब इस कार्बोकेटाइन पे रिंग भले यहां ये इलेक्ट्रॉन यहां से आया है, नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक कर रहा है, तो ये तो प्लेनर है ना कार्बोकेटाइन, प्लेनर है तो रिंग अबाउट द प्लेन भी आएगी और बिलो द प्लेन भी आएगी, ये कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है ना, दो तो वैसे ही आ गया है, ठीक है, तो इसमें इसकी और क्या बनेगी, मिरर इमेज भी बनेगी, ठीक है, और 50-50% बनेंगे, 50% ये बनेगा और 50% ये बनेगा। अब ऑप्शन को ढंग से सुनिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट फॉर मेजर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज ऑप्टिकल एक्टिव, प्रोडक्ट इज ऑप्टिकल एक्टिव गलत स्टेटमेंट है। प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट में तो ये मिक्सर आ गया ना, रेसेमिक मिक्सर आ गया, प्रोडक्ट में तो रेसेमिक मिक्सर आ गया, तो प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज रेसेमिक मिक्सर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर वहां बोलता कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव तो स्टेटमेंट सही होता, उसने बोला है प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव और ऑप्टिकली एक्टिव, तो प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है क्योंकि ये जो बना है, ये बना है रेसेमिक और 100% रेसमाइजेशन हुआ है, 100% ऑप्टिकल प्योरिटी 0, रेसेमिक मिक्सचर बना है, तो प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव क्योंकि प्रोडक्ट में तो दोनों को कंसिडर करेंगे, कंपाउंड बोलता ना कंपाउंड, तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता। ओके, तो पस स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड, प्रोडक्ट है टू काइरल कार्बन, दो तो कहा, मुझे तो एक नजर आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। सही बात, पीछे जाते हैं, प्रोडक्ट पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर, ये भी गलत हो गया भाई, डायस्टीरियोमर के लिए एटलीस्ट टू स्टीरियो सेंटर तो होने चाहिए ना, स्टीरियो सेंटर ही एक है तो डायस्टीरियोमर की तो पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, गलत हो गया। फिर है कॉन्फिगरेशन ऑफ काइरल कार्बन आर आर, अरे भाई जब काइरल कार्बन ही एक ही है तो दो जगह कॉन्फिगरेशन कैसे आएगा, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन देखिए ओनली फर्स्ट, ये तो ये आएगा आंसर नन ऑफ दीज, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। फिर बोलता हूं, अगर किसी रिएक्शन में रेसेमाइजेशन हुआ है, रेसेमिक मिक्सर बना है, यदि किसी रिएक्शन में रेसेमाइजेशन हुआ है, रेसेमिक मिक्सर बना है और वो कार्बोकेटाइन या प्लेनर पे जब कोई अटैक होता है तो दोनों साइड से अटैक हो जाता है, उस कंडीशन में अगर प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो इसका मतलब वो रेसेमिक मिक्सर के रिगार्डिंग बात हो रही है, कंपाउंड के बारे में बात करें तो किसी एक सिंगल कंपाउंड को पकड़ के आंसर निकाल दो। क्लियर, नेक्स्ट, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी एडवांस, करेक्ट ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको थोड़ा सा टाइम दे देते हैं बच्चों को, ना ये लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा समझाना पड़ेगा हमें इस क्वेश्चन को। सही बात है, अगर हम बात करें तो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्या होता है, ARSE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर प्लस एच प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर माइनस एच माइनस आई, प्लस आर वाले ग्रुप बढ़ते हैं तो उस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। इस रिंग में होता क्या है यार, ये देखो क्योंकि आगे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं कि ये यहां कोई ग्रुप लगा हुआ है और ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो सर ये इलेक्ट्रोफाइल है तो ये न्यूक्लियोफाइल होगा, बिल्कुल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल रिंग पे अटैक करता है, तो अगर इस पे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलूं, जितनी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी होगी, ये इलेक्ट्रोफाइल उतनी ही जल्दी इस पे अटैक करेगा। अब इस पे मुझे नेगेटिव चार्ज बढ़ाना है, रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ानी है, तो ग्रुप कौन से होने चाहिए, प्लस वाले ग्रुप होने चाहिए, प्लस आर प्लस एच प्लस आई वाले ग्रुप होने चाहिए। तो अगर रिंग के ऊपर प्लस आर प्लस एच प्लस आई वाला ग्रुप है तो उस रिंग को एक्टिव कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल के लिए, इलेक्ट्रोफाइल के लिए क्या कर रहा है, रिंग को एक्टिव कर रहा है। और यदि कोई माइनस वाला ग्रुप है तो वो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल भाई, इलेक्ट्रोफाइल तो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और अगर और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है तो वो रिंग को क्या कर रहा है, डीएक्टिवेट कर रहा है।
तो प्लस आर प्लस एच प्लस आई वाले ग्रुप एक्टिवेटिंग होते हैं, माइनस एच माइनस आर और माइनस आई वाले डीएक्टिवेटिंग होते हैं, जनरली कंसेप्ट ये आता है। तो यहां अब मैं बात करता हूं, इस क्वेश्चन को हम लेके चलते हैं आगे। यहां पे इसका भी प्लस आर लग रहा है, इनके इसका भी प्लस आर लग रहा है, क्योंकि लोन पे प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, तो दो दो का प्लस आर लग रहा है। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें? तो भैया इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के बाद जो इंटरमीडिएट बनेगा, जिसको आप एरिनियम आयन बोलते हो या सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हो या विलेंट इंटरमीडिएट जिसको बोलते हो, उसकी स्टेबिलिटी हमें चेक करनी पड़ेगी। तो यहां देखो स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको मैं चेक करता हूं। तो इसको चेक करूं तो ये ऑर्थो और इसका पेरा, ऑर्थो पेरा डायरेक्टिव है, मतलब प्लस आर वाला जो ग्रुप है ना वो ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग होते हैं, डायरेक्टिव होते हैं, सही बात, ठीक है। तो अब यहां पे जैसे फर्स्ट लिया मैंने OCS3 और OCS3 और ये बॉन्ड मैंने यहां लगाया, ये लो, तो ये यहां से यहां इस पे टेक हो गया और ये इलेक्ट्रोफाइल यहां आ गया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव यहां आ गया, बाकी बॉन्ड अपनी जगह एग्जिट रहे और ये OCS3। अब इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखो, ये बैकबोन इसको स्टेबल कर रहा है, ये यहां से यहां और ये यहां से यहां ये भी स्टेबल कर रहा है, दो बार बैक बॉन्डिंग से स्टेबल, हाँ, मतलब ये पॉजिटिव इस कार्बन पे भी आ रहा है और इस कार्बन पे आ रहा है, तो दोनों OCS3 उस पॉजिटिव को क्या कर रहे हैं, स्टेबलाइज कर रहे हैं। अब इसमें अटैक करवाता हूं ना तो क्या होता है, इसमें अटैक करवाऊंगा तो मान लो मैंने ये भी ऑर्थो पे अटैक करवाया, तो पॉजिटिव चार्ज OCS3 पॉजिटिव चार्ज यहां गया और ये इलेक्ट्रोफाइल, बाकी ये बॉन्ड एजिट लगे हुए रहेंगे, ठीक है। अब यहां मैं बात करूं, गलत हो गया थोड़ा सा, हाँ हाँ वो तो बता दिया ना अपने बच्चों को, ये वाले बात करते हैं, यहां टेक करवाया मैंने तो ये OCS3 ये पॉजिटिव और इसके बाद यहां आ गया इलेक्ट्रोफाइल और यहां बॉन्ड ऐसे लगाए थे मैंने ये वाले और इसको मैंने ऐसे रोटेट कर दिया, तो यहां रह गया और यहां रह गया। अब इस पॉजिटिव को इस OCS3 यहां से स्टेबल कर देगा, एक बैक बॉन्डिंग होगा, इस पे पॉजिटिव नहीं आएगा क्योंकि ये यहां से यहां पॉजिटिव यहां, फिर ये यहां से यहां पॉजिटिव यहां, मतलब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ नहीं रहा, तो यहां उस पॉजिटिव को स्टेबलाइज केवल एक OCS3 कर रहा है, वहां दो OCS3 कर रहे हैं, तो फर्स्ट ज्यादा रिएक्टिव है, डेफिनेटली सही है। अब आप इसको मैं डायरेक्ट आगे वाले क्वेश्चंस कराऊंगा, उसको आप देख लेना डायरेक्ट। अब ये NO2 और ये NO2, इसका भी माइनस आर इसका भी माइनस आर, दोनों का माइनस आर, मेटा डायरेक्टिव हो गया, तो इसका मेटा लिया मैंने, यहां इलेक्ट्रोफाइल ले लिया, ठीक है, और मैंने बॉन्ड लिए ये वाले बॉन्ड बना, पहले बॉन्ड बना देते हैं, ये बॉन्ड बनाए मैंने मेटा पे, अब मेटा पे मैं इसका टेक करवा देता हूं, तो इस बॉन्ड को तोड़ देता हूं, तो ये इलेक्ट्रोफाइल और ये पॉजिटिव, मतलब ये मेटा कराएंगे एक के तो ऑर्थो बना ही है, हां एक के तो ऑर्थो बना ही। अब ये मेटा पे करवाया मैंने, यहां पे इलेक्ट्रोफाइल का टेक करवाया, ये पॉजिटिव चार्ज, तो इस NO2 का माइनस आर लग रहा है इस पे, बिल्कुल माइनस आर लिख साथ के साथ, हां माइनस आर काम कर रहा है, ये यहां से यहां और ये यहां से यहां पॉजिटिव है, इसका माइनस आर उस पे काम नहीं कर रहा, मतलब यहां कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ी है, मतलब इसमें बात करूंगा ना, एक पे माइनस आर लग रहा है, एक का माइनस आर लग रहा है, दूसरे का माइनस आर लग रहा है, माइनस आर लग रहा है। अब इस पे बात करते हैं, तो इस पे भी हम पहले बॉन्ड दिखा देते हैं, इस पे मेटा, ये मान लो ये मेटा ले लेता हूं, दोनों का मेटा हो गया यहां वाला, तो यहां पे ये इलेक्ट्रोफाइल आ गया और ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो ये यहां से आ, तो पॉजिटिव यहां आया, इस पे आएगा, फिर ये यहां से आ, ये पॉजिटिव यहां, इस पे आया ही नहीं, पॉजिटिव चार्ज माइनस आर से अफेक्टेड नहीं है कहने का मतलब, हाँ, ना? तो ये सही है, ये सही है, माइनस आई से सिर्फ माइनस आई से, यहां केवल माइनस आई, माइनस आई लगा पॉजिटिव चार्ज पर, यहां माइनस आई लगा। इसकी बात करें OCS3 और NO2, तो जैसे अभी मैंने बोला था कि यहां पे केवल एक का काम करेगा, दूसरे का काम नहीं करेगा, तो ऊपर वाले का ये यहीं जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, इसी जगह जाएगा क्योंकि ऑर्थो पेरा डायरेक्टिव ये वाला, तो इसका तो प्लस आर काम करेगा, इसका माइनस आई काम करेगा, बट यहां पे इसका प्लस आर भी काम करेगा, इसका माइनस आर भी काम करेगा, इससे कंपेयर कर सकते हो, मतलब करना क्या है यार, पोजिशन पे इलेक्ट्रोफाइल लगाओ, कार्बोकैटायन बना, उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। यहां इसका माइनस आई लग गया, ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये भी गलत हो गया। NO2 NO2 इसमें हम बात करें तो ये वाला ज्यादा रिएक्टिव है, इसको क्योंकि यहां भी दोनों का क्या लगेगा, माइनस आर, यहां एक का माइनस आर लगेगा, दूसरे का माइनस आई लगेगा, जस्ट लाइक दिस,
कोई भी ले लिया हाँ। ये जैसे यहाँ दिखाया माइनस आर माइनस आई। तो हमारे पास करेक्ट आंसर केवल फर्स्ट और सेकंड है। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में अपने पास है नहीं, है ही नहीं। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में नहीं है, बट हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर इसका जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि करेक्ट ऑर्डर केवल फर्स्ट और सेकंड है। फर्स्ट और सेकंड हमारे पास है। एक बात ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन इसलिए डाला है, असल में यहाँ पे देखो एडवांस लिख दिया है। कंसेप्ट यह है कि कभी भी जेई एडवांस में, खास करके अगर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल आए, तो कार्बोकैटायन बना के स्टेबिलिटी से ही आप मेजर माइनर देखो या रेट देखो, आप डायरेक्ट डेंसिटी से भी मत पूरा। अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड तो डेंसिटी देख सकते हो, मोनो सब्स्टिट्यूटेड है तो डेंसिटी से आप देख सकते हो, एक ही ग्रुप लगा हुआ है तो आप डेंसिटी से देख सकते हो, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ज्यादा। बट दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं तो आप एकदम कंसेप्चुअली चलेंगे, पहले आप इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाएं, बिल्कुल ये ध्यान रखें, ऑर्थो पैरा पे जाएगा या मेटा पे जाएगा, उसके बाद जो पॉजिटिव चार्ज बना है ना उस पे आप देख लो किसका माइनस आर लग रहा है किसका प्लस आर लग रहा है। नेक्स्ट बात सर, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। एच म्यू की लाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन, और यहां ए आर एस एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो प्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन तो sp3 की होती है, कार्बन H और ये क्या होना चाहिए sp3। तो हमें सब में देखो डाइब्रोमिनेशन करवाया हुआ है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहां तो आ जाएगा ये वाला, ये तो आ जाएगा। इसमें ये CH3 का प्लस H लग रहा है तो इसका पेरा, और इस CH3 इसका पेरा, तो यहां और यहां दो इलेक्ट्रोफाइल आ जाएंगे। AlCl3 क्या करेगा, ये Br और AlCl3 इस Br को हटा देगा और यहां से Br पॉजिटिव ये वाला क्या कर जाएगा, अटैक कर जाएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा आंसर, यहां पे ये Br और ये CH3 और ये। और एक पॉइंट और है इसमें कि आप कहोगे कि सर ये दो बार क्यों कराया, तो भाई ऑप्शन एक बार वाला दिया ही नहीं है इसमें, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए ऑप्शन में देखो सब में दो बार करवा रखा है, तो यहां ऐसा नहीं लिखा कि दो मोल लिखा नहीं है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो दो मोल आपको लेना पड़ेगा। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, आपसे पूछा है प्रोडक्ट पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली, तो पी वो वाला है ये वाला ये रहा और क्यू ये वाला है, एस ये मत कर देना गलत हो जाएगा, क्वेश्चन सही निकाला आंसर गलत हो जाएगा। पी और क्यू, पी पी तो ये निकाला है ना आपने, पी ये है क्यू ये है, हाँ ये पी है और ये क्यू क्यू। नेक्स्ट, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। पहला Br2 अभी मैंने बोला था कैसा एडिशन होता है, एंटी एडिशन, एंटी, और यहां भी कैसा एडिशन होगा, एंटी। ये CCl4 है यहां पे थोड़ा इमेज क्रिएट, हां CCl4, ये CCl4 है, यहां भी CCl4 है, एंटी एडिशन होगा। तो पहले मैं एंटी एडिशन कराऊं, पहला बनेगा ये वाला, एक Br अबव द प्लेन, दूसरा Br बिलो द प्लेन, प्लेन नहीं लग रही तो इसकी मिरर इमेज भी बन जाएगी और मिरर इमेज ये वाली बन जाएगी, मतलब बैक साइड मिरर लगाया मैंने, बैक साइड मिरर लगाया, तो वो आप देखो इधर लगाऊंगा तो ऐसे घुमा के लिख दो इसको, मैंने बैक साइड मिरर लगाया, तो ये पेयर ऑफ क्या हो गया, एनेंशियम, ठीक है। ऐसे ही मैं सेकंड में करवाऊंगा, ये CH3 इसको तो फिक्स रखा है, इसकी तो रिएक्शन है ही नहीं रही, अब यहां भी यार एक बार ऐसे, ठीक है, और एक बार भी यार ऐसे। अब इसकी बात करते हैं, एक मिनट थोड़ा सा, ये वाला नीचे वाला प्रोडक्ट है, अब इसमें भी ये क्या हो गए भाई, इन पे तो CH3 तो फिक्स रह गया, बाकी इन पे चेंज हो गया, तो देखो सेम कॉन्फ़िगरेशन आता है तो आइडेंटिकल, अपोजिट आता है तो एनेंसमर, उसके अलावा आया तो डायस्ट्रीमर, तो ये पेयर ऑफ डायस्ट्रीमर भाई, यहां तो फिक्स ही है, ये तो फिक्स रह गया, एक पे तो सेम रह गया बाकी भी चेंज हो गया, पेयर ऑफ डायस्ट्रीमर। एंटी एडिशन कराना है, बस ध्यान रखना Br एंटी होना चाहिए। अब ऑप्शन देखें, P gives mezo compound, Q gives diastereomer, तो गलत हो गया, क्यों, आगे वाला ये स्टेटमेंट तो सही है, हाँ, बट ये फर्स्ट वाला ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो ओवरऑल तो गलत स्टेटमेंट हो गया ना ये, P give mezo नहीं दे रहा है तो पेयर ऑफ एनेंचमर दे रहा है, गलत, बोथ P एंड Q give एनेंचमर, ना
ये डाइस्टोमर दे रहा है और वो एनेंचोमर दे रहा है, ये गलत हो गया। P गिव एनेंचोमर वेयर Q गिव डाइस्टोमर, ये सही है। एनेंचोमर और डाइस्टोमर सही है। प्रोडक्ट ऑफ P एंड प्रोडक्ट ऑफ Q आर ऑप्टिकल एक्टिव, सुनना सुनना सुनना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। प्रोडक्ट ऑफ पी, वापस प्रोडक्ट की बात की, प्रोडक्ट ये बना, प्रोडक्ट का मतलब ये मिक्सर और रेसिमिक हो गया, ये रेसिमिक मिक्सर हो गया, तो प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव कैसे हुआ, ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया ना, प्रोडक्ट ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ है, कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि पेयर ऑफ एनेंसोमर मतलब ये क्या है, रेसिमिक मिक्सर, इसलिए प्रोडक्ट पी, प्रोडक्ट ऑफ पी ऑप्टिकली इनएक्टिव, हाँ क्यों वाला ये क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सही है, ये सही है, बट आधा स्टेटमेंट गलत है आधा सही है, तो ये आंसर नहीं जाएगा। ओके नेक्स्ट, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कॉलम मैचिंग है, एवी एडवांस, हमने पहले बोला था कि इसमें एडवांस लेवल के हैं, तो अगर जेई मेन के बच्चे हैं तो समझे कंसेप्ट को, कंसेप्ट समझने काम है, फिर भी ज्यादा पैनिक नहीं होना कि बहुत ही लेवल के क्वेश्चन है यहाँ पे। मैच द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द करेक्ट रिएक्शन प्रोडक्ट फॉर विच दे अंडरगोज नाइट्रेशन, नाइट्रेशन रिएक्शन की बात हुई है, मतलब NO2 प्लस अटैक करता है, रिएक्टेंट लेते हैं कंसंट्रेट HNO3 प्लस H2SO4, बोल देते हैं सर इसको मिक्स्ड एसिड भी बोल देते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर भी बोला जाता है, मिक्स्ड एसिड नाइट्रेटिंग मिक्सर भी बोल देते हैं, मिक्स्ड एसिड ये NO2 प्लस, और ये एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो इस NH2 का भी प्लस R लगने वाला है, OH का भी प्लस R लगने वाला है, बट ज्यादा प्लस R किसका लगता है, NH2 का, तो जिसका ज्यादा लगेगा उसकी ज्यादा चलेगी, सही बात, जो ज्यादा चलेगा तो डिसाइड इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा वो डिसाइड कौन करेगा, NH2, और NH2 का प्लस R लग रहा है तो प्लस R का मतलब ऑर्थो एंड पैरा, पैरा तो ऑलरेडी ऑक्यूपाई है, अटैक वही करता है जहां H+ हो, तो ये तो इसका ऑर्थो कौन सा है, B और F, B और F, B F मेजर प्रोडक्ट, सही बात। आगे हम इसकी बात करते हैं, इसकी बात करें, इसका तो सिर्फ प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट लगेगा, तो डी, क्योंकि यहां तो रिपल्सन हो जाएगा, बहुत बल्कि है, तो यहां डी पे जाएगा, सही है। सीएल और बीआर में चलेगी किसकी, सीएल की, क्योंकि सीएल का भी प्लस आर लगता है, ये सोचने लायक बात है और समझने लायक बात है, बीआर का भी प्लस आर लगता है, बट सीएल का प्लस आर लगता है 3p से 2p और इसका लगता है 3p से 3p 4p, हां 4p से 2p, 4p से 2p और इसका लगता है 3p से 2p, तो ज्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस सीएल का काम करता है, जितना साइज छोटा होगा उतनी ही बेस्ट ओवरलैपिंग, मतलब एनर्जी गैप यहां पे कम है, कह सकते हैं सर एनर्जी गैप यहां कम है, एनर्जी गैप क्या है, ज्यादा है, मतलब साइज छोटी है तो ओवरलैपिंग बेस्ट हो जाती है, तो इसका प्लस आर ज्यादा, तो सीएल की चलेगी, तो सीएल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, बट होता डीएक्टिवेटिंग है, डीएक्टिवेटिंग सही बात, तो इसका ऑर्थो बी और एफ, इसका डी था, इसमें वही सीएल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव बी और बी एफ डी, इसका पेरा इसका और तो दोनों का कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, तो यहाँ डी पे चला जाएगा, मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, अब देखो मेजर प्रोडक्ट एट सी एंड ई, सी और ई, एक मिनट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं क्या है, कॉलम फर्स्ट, एक मिनट इसका ऑप्शन चेक करना है या आगे क्वेश्चन और होगा, हाँ जी सुनो ये थोड़ा सा इसमें बाय मिस्टेक करेक्शन हुआ है क्वेश्चन में, पूरा क्वेश्चन आप हमारे पास आया नहीं है, फिर भी मैं बोल दूं तो आपको स्टेटमेंट क्या क्या बोले, ये देखो आप सुनो, ये वर्ड हटा हुआ, ठीक है मैंने हटा दिया, अब पहला क्या बोला है, मेजर प्रोडक्ट ए एंड सी, तो ए और सी, ए नहीं है मेजर प्रोडक्ट एट सी, सी एंड ई, और सी और ई पे मेजर प्रोडक्ट किसका कहां आया, सी और ई पे मेजर प्रोडक्ट हमारे पास कहां आया, सी और ई पे मेजर प्रोडक्ट अपने पास कहीं भी नहीं आया, हाँ नहीं आया कहीं भी नहीं आया, खत्म करो इसको, इस बात को खत्म कर दो, हाँ। फिर है मेजर प्रोडक्ट एट बी एंड एफ, तो बी एंड एफ यहां आया था, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बी एंड सॉरी यहां पे बी और एफ आया था, इसमें डी आया था, तो मेजर प्रोडक्ट एट बी एंड एफ किसमें आया, पी और आर में, पी और आर में, तो बी में जो है वो पी और आर आएगा, आएगा अभी हम सेट कर देंगे,
उसके बाद मेजर प्रोडक्ट एंड डी, डी किसमें आया है? एस में, ठीक है। तो यहाँ पे डी आया है वो किसमें आया है? एस में। इसमें क्यू में भी आया मेजर प्रोडक्ट डी पे, डी में हाँ, और क्यू में आया है। उसके बाद बोला है इट इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। अब बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? पीबी है। हाँ, सही बात। डी में पीबी है, इसका प्लस आई लगाया तो ये भी है, क्यू भी है, क्यू भी है, ये डीएक्टिविटी हो गया, ये डीपी हुआ, तो पी और क्यू मोर रिएक्टिव है। फिर बोला है इट इज लेस रिएक्टिव देन बेंजीन, आर एस हो गया, आर और एस लेस रिएक्टिव हो गए, तो ई में जो आएगा वो आएगा आर और एस। अब ऑप्शन देखो, पी में बी डी। अब सुनना, पी क्या है ये वाला, अब बी देखो, बी क्या है? मेजर प्रोडक्ट एट बी ऑन एफ है, और इट इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन है, तो ये स्टेटमेंट ये वाला पी तो सही है। अब क्यू को चेक करो, क्यू सी और डी है, सी और डी, सी मेजर प्रोडक्ट एंड डी, सही बात है, और डी की बात करूं इट इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, ये भी सही है। फिर आर की बात करूं, आर में बी और ई, आर मेजर प्रोडक्ट एट बी एंड एफ, सही है, मेजर प्रोडक्ट बी एंड एफ सही है। लाइट चली गई है तो हो सकता है हम नजर नहीं आए आपको, आ गई वापस, तो यहां भी ये सही है। हाँ। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद सी और ई, एस में, एस के लिए, एस में सी और ई, तो एस में सी देखे तो सी है मेजर प्रोडक्ट एट डी, सही है, सही बात है। फिर ई है इट इज लेस रिएक्टिव देन बेंजीन, ये भी सही है। तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा फर्स्ट, इन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना था। क्लियर, समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, ये भी सिंपल सी रिएक्शन है, सिंपल सी रिएक्शन, बताओ सर। इसमें जैसे देखो यहां तक ये तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि CH3 डबल बॉन्ड CH2 CH3 HBr क्या है, H प्लस है, तो हमें उधर की तरफ कार्बो कैटायन बनाना है जिधर ज्यादा स्टेबल बनता हो। ये हो गया हमारा CH3 CH3 CH3, ये हो गया कार्बो कैटायन। अब जाहिर है Br नेगेटिव है, ये बना दिया, अटैक करा दिया, ये बन गया हमारा CH3 CH3, इधर ऐसे कर देता हूं थोड़ा Br, ये हमारा क्या मतलब, ये प्रोडक्ट आपका बन गया, बन गया ये वाला प्रोडक्ट बन गया, मतलब ये वाला बन गया। हाँ, फिर एनी और ड्राई इथर डाल दिया है ना, हीट तो वुड्स रिएक्शन के थ्रू जाना शुरू करेगा। पर सर इसमें तो वुड्स रिएक्शन तो 3 डिग्री रेडिकल तो ना के बराबर यील्ड देता है, बिल्कुल। फिर वही बात है, एडवांस चुकी है मैकेनिज्म आपको सबका, जेई में तो कम से कम ध्यान रखना पड़ेगा। तो वुड्स रिएक्शन में आपको पता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आयनिक मैकेनिज्म के थ्रू भी जाता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म अगर आप बनाओगे तो इसका फ्री रेडिकल क्या बनेगा यहां पे? अब ये जो है ये रेडिकल बनेगा फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। हाँ भाई, वुड्स रिएक्शन होती क्या है पहले बच्चों को थोड़ा सा ये बता दीजिए कि एल्किल हैलाइड एनी ड्राई ईथर, तो ये आर आर जुड़ जाते हैं, रेडिकल ये बनता है। हाँ। फिर ये इसे दूसरे रेडिकल से जुड़ जाता है। अब यहाँ ये जब रेडिकल बनता है ना तो ये या तो कपलिंग करे, कपलिंग करे, सही बात है, या डिसप्रोपेनेशन करे, डिसप्रोपेनेशन करे, तो ये तो कपलिंग की पॉसिबिलिटी कम होगी क्योंकि साइज बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये जो कपलिंग वाला है ना वो प्रोडक्ट है माइनर, लेस यील्ड आएगी, ठीक है। और अगर डिसप्रोपेनेशन करे तो वो वाला मोर यील्ड आएगी, मोर यील्ड आएगी। अब डिसप्रोपेनेशन मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, तो इसका डिसप्रोपेनेशन कैसे होगा देखिए, मिटाना सर, CH3 CH2H, और ये रेडिकल, हाँ, CH3 CH3 CH3, ये रेडिकल, हाँ, ठीक है। तो ये रेडिकल रेडिकल बॉन्ड और ये H यहां, तो एक तरफ तो बन जाएगा ये वाला और इधर बन जाएगा ये वाला आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन ये बनेगा। ऐसा ऑप्शन अगर चेक करें, कपलिंग की पॉसिबिलिटी कम है, ऑप्शन बेस्ड हमें जाना है, तो ये मेजर यही बनेगा, ये एक मिनट, ये तो बना मेजर, और ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, ये वाला जो कपलिंग से बन रहा है ये माइनर, ये माइनर है। ऑप्शन चेक करते हैं, मेजर प्रोडक्ट आपसे पूछा है और टू मिथाइल प्रोपीन, प्रोपीन थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिटाइलिन्स गिव ओनली इलेक्ट्रोलाइसिस,
एसिटिलीन, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव एसिटाइलीन, एसिटाइलीन ये होता है ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस, ऑल वे इलेक्ट्रोलाइसिस, ऑल वे इलेक्ट्रोलाइसिस, सोडियम फ्यूमेरेट सी ट्रिपल बॉन्ड सी ट्रिपल नहीं डबल बॉन्ड आएगा यहां पे, हां सोडियम सॉरी सी डबल बॉन्ड सी सी ओ एच और ये सी ओ एच, ये एच और ये एच, दिस इज फ्यूमेरिक एसिड, दिस इज फ्यूमेरिक एसिड, इसका सोडियम फ्यूमेरेट बनाना है मतलब सोल्ट बनाना है, तो सोल्ट बनाऊंगा तो ओ एन ए प्लस नेगेटिव सी ओ सी सी एच एच सी डबल बॉन्ड ओ माइनस एन ए प्लस, ये सोडियम फ्यूमेरेट है सर। इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस से तो रेडिकल ये तो बाहर होता है यहां जनरेट होता है, बिल्कुल, और इसमें भी यहां जनरेट होता है, तो ये रेडिकल रेडिकल बॉन्डेड हो जाएंगे और ये बना देंगे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाता है। हाँ। बिल्कुल उसी तरह से जैसे वुड्स रिएक्शन जाता है, करीब करीब वैसे ही। ये रिएक्शन का एग्जांपल आप देखें इस रिएक्शन को, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस का एग्जांपल है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी यहां पे, और जब एसिड बेस होगी तो Na प्लस NH2 माइनस इस H को हटा लेगा, हाँ। तो इसको मैं देखो PH4 में लिख देता हूँ भैया, तो PHC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस, फिर उसके बाद आपको दिया है साथ में ये वाला OTS, OTS एक बहुत ही बेटर लिविंग ग्रुप है, तो ये इस पे अटैक करके इसको क्या कर देगा, बाहर रिएक्शन हो गई बाय SN2, और ये बन गया आपके पास पी एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी और ये रिंग। उसके बाद आपको दिया है एन ए एन एस थ्री लिक्विड, ये है ब्रिज रिडक्शन, और ब्रिज रिडक्शन में एंटी एडिशन होता है एच टू का, रेडिकल एनायन इंटरमीडिएट बनता है, हाँ, और ट्रांस एल्किन बनती है, ठीक है, तो ब्रिज रिडक्शन से ट्रांस एल्किन एंटी एडिशन ऑफ H2, तो इसका इस पे H2 का एडिशन कराओगे, ट्रांस बनाओगे, तो PHCH डबल बॉन्ड CH ये रिंग, हाँ। उसके बाद दिया MCP भी, ये हमने पीछे के लेक्चर में भी इसको डिस्कस किया था, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, मैकेनिज्म भी बताया था, हाँ, इपोक्साइड फॉर्मेशन करता है, ऑक्सीजन इंसर्शन करता है डबल बॉन्ड में, तो यहां ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाएगी, तो इसमें इस डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाएगी, पी एच सी एच ये एच और ये रिंग और ये ऑक्सीजन, तो एच एच का होना चाहिए ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन होना चाहिए। सेकंड, नेक्स्ट, वो ये विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन रिएक्शन फास्टर देन बेंजीन, तो यही कांसेप्ट है, प्लस आर, ए आर ऐसी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो बेंजीन तो बेंजीन तो बेंजीन से पैरामीटर लिया जाता है, बेंजीन से जो मोर रिएक्टिव है उनको एक्टिवेट बोला जाता है एक्टिवेटिंग, और जो लेस रिएक्टिव है डीएक्टिवेटिंग, लेस रिएक्टिव है बेंजीन से जो लेस रिएक्टिव है उनको तो बोला जाता है डीएक्टिवेटिंग, और जो मोर रिएक्टिव है उसको बोलते हैं एक्टिवेटिंग, एक्टिवेटिंग। मोर रिएक्टिव कौन से होंगे, प्लस आर प्लस एच प्लस आई, लेस रिएक्टिव कौन होंगे, माइनस आर माइनस एच माइनस आई, तो इसका प्लस आर लग रहा है, बिल्कुल, तो ये ज्यादा रिएक्टिव है, इसका माइनस आई लग रहा है, ये लेस रिएक्टिव है, इधर प्लस आर हो गया, इसका भी प्लस आर लग रहा है, ये भी ज्यादा रिएक्टिव हो गई, इधर प्लस, इसमें भी प्लस आर लग रहा है, ये भी ज्यादा रिएक्टिव, मोर देन वन है, ओके, एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इसका कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, पीछे डायरेक्ट आप इसका चाहे तो लिख सकते हैं, हाँ पीछे बताया, अभी अभी डायरेक्ट मैं इसको सोल्व कर देता हूं, थोड़ा सा आप ध्यान लेने फटाफट से, सिन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, सिन ही देता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एच और ओ एच का एडिशन होता है सिन से, सिन से, तो एच और OH का एडिशन, वो भी किस फॉर्म में, सिन फॉर्म में, एक तरफ H जुड़ेगा एक तरफ OH जुड़ेगा, पहले मैं बता देता हूं, ये एंटी
तो उल्टा कर दो इसका, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ये भी है, तो इसमें भी एच और ओ एच वो भी कैसा सीन एडिशन जाएगा। यहाँ पे कोल्ड डाइल्यूट कोल्ड एल्कलाइन केमोनो फोर बेयर एजेंट दो ओ एच का एडिशन होता है सिन, और ये भी कैसा है सिन। यहां पीएच थ्री ये तो इपोक्साइड फॉर्मेशन फिर हाइड्रोलाइसिस, तो इसमें दो ओ एच का एडिशन कैसा होता है एंटी, तो ये एंटी। अब आप उसी चार्ट पे चले जाओ जो पीछे चार्ट बताया था सिन पे सिन बट एसिमेट्रिक रिएजेंट है एच और ओ एच, ठीक है तो ये बन जाएगा देखो सी एच थ्री सी एच थ्री और ये डी एच ओ एच, तो प्लेन नहीं लगेगी ठीक है प्लेन नहीं लगेगी इनेंशियोमर बन गया तो पेयर ऑफ इनेंशियोमर रेसेमिक मिक्सर बन गया। यहां एंटीपेसिन तो रेसेमिक मिक्सर बनेगा, यहां सिंपेसिन और सेमेट्रिक रिएजेंट है तो यहां मीजो बन जाएगा, और यहां भी एंटीपे एंटी मीजो, तो यहां तो एक-एक प्रोडक्ट बनेंगे शुरू वाले दो में रेसेमिक मिक्सर बन जाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी हम बात कर चुके हैं बात से है ना, तो देखो HCl इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एडिशन तो कार्बोकैटायन एम मार्कोनिक ग्रुप सही है HiH2O2 लाइट मैंने कहा परोक्साइड दे दे हमेशा ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही देगा हाँ, तो मार्कोनिक रूल ही देगा तो इसमें गलत है सही नहीं है HBr ये एंटी मार्कोनिक एडिशन खरास इफेक्ट फ्री रेडिकल एडिशन ये वाला सही है HiH2O2 और लाइट मार्कोनिक काफी देता है तो ये तो मार्कोनिक देता है ये सही। नेक्स्ट अब इंटीजर टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं और पहला ही क्वेश्चन प्योरली एडवांस लेवल का जेई मेन के बच्चे अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं भी देंगे तो चलेगा बट एडवांस लेवल का पहले बोल रहा हूं भी एडवांस लेवल का क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑर्डर एंड स्टेटमेंट आर करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसी रिएक्शन इस रिंग में एसी रिएक्शन तो इसका भी प्लस आर इसका भी प्लस आर इसमें इसका भी प्लस आर इसका भी प्लस आर इसमें इसका प्लस आर इसका माइनस आर सही बात तो सबसे पहले दो यहां भी प्लस आर यहां भी प्लस आर यहां भी प्लस आर यहां भी प्लस आर यहां प्लस आर यहां माइनस आर तो ये तो सबसे लेस रिएक्टिव होगी सही बात प्लस आर ऑक्सीजन का कम लगता है एनएच का भाई ये वाला पार्ट तो सेम ही हो गया एनएच का प्लस आर ज्यादा लगता है किससे ऑक्सीजन से तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही बिल्कुल एरोमेटिसिटी की बात करें तो बेंजीन और पायरोल ठीक है तो ये रेजोनेंस एनर्जी का अगर मैं बात करूं तो आप ये ध्यान रखें इसमें मैं आपको बता देता हूं आप थोड़ा सा देखें क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं फर्स्ट ट्रीटमेंट सही आ गया अपना एक याद रखें बी एस पी एन ओ बी एस ये रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर है बी एस पी एन ओ B से आया बेंजीन S से आया थायोपिन ये वाला इससे आया पिरिमिडीन पिरिडीन पिरिडीन फिर आया पायरोल ये वाला और O से आया प्यूरेन इस ऑर्डर से आप ध्यान रखिए रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर है ठीक है उसके बाद आता है ए आर एस सी रिएक्टिविटी तो जनरली फाइव मेंबर रिंग ज्यादा रिएक्टिव होती है सिक्स मेंबर से सीधा कंसेप्ट भी है यार सिक्स मेंबर रिंग में सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं सिक्स एटम पे तो पर एटम वन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और यहां सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं फाइव एटम पे मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फाइव मेंबर रिंग में ज्यादा है तो फाइव मेंबर रिंग ज्यादा रिएक्टिव होती है तो यहां रिएक्टिविटी होती है वो आती है सबसे पहले N N का मतलब बताया है फिर O फिर S ठीक है ठीक है और उसके बाद B और P मतलब ये ARS की रिएक्टिविटी है पहले ये वाला फिर ऑक्सीजन वाला फिर सल्फर वाला उसके बाद बेंजीन और उसके बाद पिरिडीन पिरिडीन सबसे लेस रिएक्टिव है इसी कंसेप्ट पे ये आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकता है बेटा ये मतलब पूरा ये
डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, हमने रिएक्टिविटी का याद करने का ट्रिक भी आपको दिया, एडवांस बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, तो इसको क्वेश्चन पे आते हैं वापस। तो बेंजीन ये सही है, फर्स्ट हमने सही किया ही था। पायरोल प्यूरेन पिरिडीन ऑर्डर ऑफ एसिड रिएक्शन, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। CH2Cl ग्रुप डीएक्टिवेटिंग, डेफिनेटली डीएक्टिवेटिंग है क्योंकि Cl का माइनस लगेगा, बट ये ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव क्यों होता है? क्योंकि इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का प्लस एच लगना स्टार्ट हो जाता है, और डीएक्टिवेटिंग क्यों होता है? क्योंकि कार्बन Cl का माइनस एच लगना स्टार्ट हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला ग्रुप डीएक्टिवेटिंग होता है बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये वाला इसकी बात की इन्होंने, ये वाला कंपाउंड है, तो ये मैं बोल रहा हूं डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव। अब आप देखो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव में ऑर्थो पे अटैक करवाता हूं, इसका ऑर्थो पे मैंने अटैक करवाया ये वाला, और इलेक्ट्रोफाइल में यहां लेके गया, और उसके बाद में जब लेके जाऊंगा तो सर ये वाला बनेगा मेरे पास, ये इलेक्ट्रोफाइल, ये पॉजिटिव, दिस दिस सी एच डबल बोन्ड सी एच, और ये सी ओ जेड, यहां कोई भी लगा हुआ, कोई भी लगा हुआ, हां ये भी बात है, कोई भी लगा हुआ। और अगर मैं इसको मेटा डायरेक्टिव बनाता हूं तो मेटा पे भी मैं अटैक करवा के देख लेता हूं, मेटा पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाता हूं तो ये बनता है। ये मेटा पे बनता है। अब इस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखो सर, ये यहां से यहां, बिल्कुल ये यहां से यहां, ये यहां से यहां, मतलब कार्बोकेटायन यहां तक डीलोकलाइज हो रहा है। इसमें क्या होगा, ये यहां से हां और ये यहां से हां, बस वहीं तक। तो मतलब इस रिंग में डीलोकलाइज हो रहा है, इसमें ये पाई बॉन्ड भी कार्बोकेटायन को क्या कर रहा है, स्टेबल कर रहा है, इसलिए ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, ऑर्थो पे ज्यादा स्टेबल होगा इंटरमीडिएट। नेक्स्ट चले पीछे, तो ये स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट ये साइक्लोब्यूटाडाइन इज एरोमेटिक, ये वाला साइक्लोब्यूटाडाइन एनायन, हां सही है, ये भी सही है। फिर CF2, ये कार्बिन है, सिंगलेट कार्बिन की स्टेबिलिटी है, तो CF2 इज मोर स्टेबल देन CH2। तो देखो इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं, सिंगलेट कार्बिन है, ये लोन पेयर है, और ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये फ्लोरीन, ये कार्बन, ये दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये अनहाइब्रिड, और ये हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन, ये भी sp2 है, और ये भी कौन सी है, sp2, बोथ आर sp2, और ये अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। तो इस फ्लोरीन के लोन पेयर बैक बॉन्डिंग से इसको क्या कर रहे हैं, स्टेबलाइज कर रहे हैं, यहां हाइड्रोजन के पास लोन पेयर है नहीं, इसलिए ये ज्यादा क्या होगी, स्टेबल होगा, बैक बॉन्डिंग से स्टेबल होगी। ये हाइड्रेशन, तो ये यहां से यहां जाएगा तो कार्बोकेटायन यहां बनेगा, और आपको पता है ये कार्बोकेटायन हाईली स्टेबल होता है, इस रिंग के द्वारा क्या होता है, स्टेबल हो जाता है, डांसिंग रेजोनेंस भी बोलते हैं लोग, डांसिंग रेजोनेंस भी बोलते हैं, तो ये स्टेबल हो जाएगा। सिस टू ब्यूटीन व्हेन रिएक्ट, लास्ट वाली रिएक्शन, सिस टू ब्यूटीन सी एच बी आर टू सी एल इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो ये बेस क्या बनाएगा, कार्बिन, कार्बिन बना देगा, अल्फा एलिमिनेशन, इसमें से एच बी आर बाहर हो जाएगा, ये वाली कार्बन बन जाएगी एच, सॉरी सी एल, सी एल और बी आर, बी आर कार्बन का एडिशन करा देना है, इसमें कार्बन का इंसर्शन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा, इसमें प्लेन क्या हो जाएगी, सिग्मा पर जेन, कैसे, ये रिंग है, ये BR और ये CL है, ये CH3, तो यहां से काटो, BR कार्बन CL हाफ अप हो जाएंगे, इस CH3 के सामने CH3 आ जाएंगे, मतलब ऐसे है समझ लो BR CL ऐसे, हाँ, और पीछे ऐसे BR CL है और पीछे CH3 CH3 ऐसे है, इसलिए ये बताया जा रहा है कि लोग कहेंगे कि इधर कहां आया सर प्लेन, इधर उधर हो गया, इसलिए ऐसे समझो कि BR CL ऐसे है ना, हाँ, तो POS पर ऐसे देख लो ना, ये ऐसे, हाँ, ऐसे बना दिया, पीछे हम बात करें तो यहां बोल रहा है सिस टू ब्यूटीन व्हेन रिएक्ट सी एच बी आर टू सी एल इन प्रेजेंस ऑफ बेस द ग्यू पेयर ऑफ इनेंशियोमर, इनेंशियोमर तो नहीं मिला, नहीं मिला क्योंकि वो तो प्लेन लग गई, तो एक सिंगल प्रोडक्ट हमें मिला है, तो ये वाला गलत हो गया, बाकी सभी क्या है सही है। एक के स्टेटमेंट को ढंग से देखिए, नेक्स्ट
इसमें देखो अच्छे कि यहां पर एक बोल रखा है इसने कि प्योर, वैसे तो देखो ये कायरल सेंटर है बट बोल रखा है कि प्योर एनेंसोमर, इसका मतलब क्या हुआ, फिक्स कर दिया इसको। अब आप इसका क्लोरीनेशन कराओगे, देखो 1 2 3 4, अब एक बार मैं बना देता हूं यहां पे फिक्स, मान लेते हैं फिक्स इधर कर दिया सीएल एक बार, तो देखो एक सीएल तो यहां पे आ गया, ये हो गया एच, इसके बाद देखो यहां पे एच एच और यहां पे क्या आ जाएगा सीएच थ्री, एक कंपाउंड ये हो गया। दूसरा यहां पे भी हाइड्रोजन तो है ही, तो आप इसको लगा सकते हो, वैसे यहां पे एच हो गया, यहां पे एच सी एल सी एल, यहां अब क्या हो जाएगा सी एच थ्री सी एच थ्री, यहां पर भी लगाओगे तो इधर वाला तो देखो फिक्स है, लेकिन जैसे ही इस पर लगाओगे ये काइरल सेंटर होना शुरू हो जाएगा, फ्री रेडिकल, अब फ्री रेडिकल क्या हो गया sp2, तो अब भी अटैक करेगा और बैक भी, तो एक बार तो मैं cl इसका इधर ऐसे लगा दे रहा हूं और प्लस इसी के साथ मैं इसका बना रहा हूं दूसरा वाला, ये cl तो अपनी जगह है जो हमने फिक्स किया हुआ है, और एक बार इस कार्बन पे cl अप भी और डाउन भी, तो एक इधर बना दिया h और इधर हो गया हमारा cl। अब बचा यहां पे, तो यहां पे कोई नया स्टीरियो सेंटर तो जनरेट होगा नहीं, वह सीधा सीधा ही बना देते हैं सी एल एच, ये एच अपनी जगह, यहां पे क्या हो जाएगा सी एच टू सी एल। मतलब कहने का मतलब ये है, सीधा सा कंसेप्ट है सर ने बहुत ही इजी में मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये सी एल यहां पे फिक्स किया हुआ है, तो आप भी सी एल को फिक्स कर लो, ये फिक्स किया हमने, तो सी एल जिस साइड है उसी साइड रखा हमने, ये फिक्स है, ये फिक्स है, फिक्स किया तो फिक्स कर दिया। अब एक बार सीएल यहां जाएगा तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा एक नंबर, बिल्कुल, फिर दूसरा यहां जाएगा तो ये वाला दो नंबर प्रोडक्ट बन जाएगा, ये एक नंबर से बनेगा, ये दो नंबर से बनेगा, फिर तीसरा जब यहां जाएगा ना तो एक नया काइरल सेंटर जनरेट हुआ है, ये वाला नया काइरल सेंटर, तो इसमें इसमें सीएल दोनों साइड जा सकता है, इस साइड भी जा सकता है और इस साइड भी जा सकता है, ऊपर वाले को तो फिक्स ही रखा है, मतलब पेयर ऑफ डायस्टोमर हो गए तो ये बन सकता है, और लास्ट वाले पे जाओगे नया तो नया कार्य सेंटर जनरेट नहीं होगा, तो ये बन जाएगा। ऐसा फेमस क्वेश्चन है, दो बार आ चुका है जेई में और इजी सा क्वेश्चन है, ये सॉल्व हो जाना चाहिए क्योंकि इस क्वेश्चन पे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, तो टोटल अपने पास आए 5। नेक्स्ट, ये भी बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ए बी एडवांस, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर फॉर्मड इन द गिवन कंपाउंड। तो जैसे मैंने अभी बोला था कि इसमें ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है और H एंड OH का कैसा एडिशन होता है, सिन एडिशन, तो पॉसिबिलिटी देखो इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, और एक्सेस में आपको दिया हुआ है, तो इसकी मैं बना के बता देता हूं फटाफट सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, ये दिया हुआ है देखो इधर, जितनी सिन पॉसिबिलिटी है वो बनानी पड़ेगी, H हां OH सिन H ये OH, मैं डी लगा दूंगा अभी पहले ये बता देता हूं। अब मैंने यहां 1 2 ऐसे भी तो बना सकता हूं, ये OH और ये H, ये OH, ये H, ऐसे ही बना यहां, नहीं ये तो सेम है, सेम आ गया, चलिए कोई बात नहीं, रहने दे, रहने दीजिए ना, उस बात बाद में काट देंगे उसको, क्यों काट देंगे अभी, कर देते ये लो, ये बनेगा, ये भी सीनी है, इधर H 2OH OH सीन है, ये भी सीनी ही है, इसमें ये OH 1 3 पे थे, इसमें OH 1 4 पे, पर रखना सीनी ही है, सीनी ही रखना पड़ेगा, एक पॉसिबिलिटी इसकी आ जाती है, ये सीन भी हो गया, ये सीन हो गया, बिलो और इधर वाले को रख लेता हूं मैं, ऐसे अब इसमें भी पोजीशन चेंज कर देता हूं सेम वैसे ही जिसमें वैसे वहां की है, एच ओ एच एच, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब यहां पे बाकी जो दूसरे डी लगा हुआ है ना, जैसे हमने क्वेश्चन में यहां डी लगा हुआ है, ये डी लगा हुआ है, तो वो डी भी लगा देता हूं मैं, आप कंफ्यूज ना हो, तो डी लगा दो, इसका डी यहां जाएगा, इसका डी यहां जाएगा, इसका डी यहां जाएगा, इसका डी यहां जाएगा, ऐसे सब में, ऐसे सब में डी आप लगा सकते हो, यहां भी डी आ जाएगा, लगा यहां पे डी, इसका इधर आ जाएगा, इसका डी यहां जाएगा, इसका डी यहां जाएगा, इसका डी यहां जाएगा, ऐसे इसका डी यहां जाएगा और
इसका डी यहां जाएगा और ये दिया। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको चेक करनी है, 1-3 में तो सीधे लग सिग्मा पर जाएंगे। इसमें भी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है मिरर इमेज, इसमें 1-3 पे सिग आ रहा नहीं है, इसमें ये भी नहीं है, इसकी भी प्लेन लगी नहीं लगेगी, तो इसकी भी मिरर इमेज। इसमें आई प्रेजेंट हो गया, आई प्रेजेंट हो गया, हां सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो ऑप्टिकल एक्टिव कितने आए, 4। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट, ये सिंपल सा है, विच मॉलिक्यूल गिव द मॉलिक्यूल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विद एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ केमोनोफोर। तो आप तोड़ के चेक कर लो, केमोनोफोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये पिछले भी डिस्कस किया गया था, जैसे इस कंपाउंड को मैं ब्रेक करता हूं, तो इधर ऑक्सीजन और इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन और इधर ऑक्सीजन। अब जहां एल्डिहाइड बनाना, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड तक ले जाओ, क्योंकि केमोनोफोर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर देता है। तो आप देखिए, आप इधर ये डबल बॉन्ड ओ आ गया, इधर ये डबल बॉन्ड ओ आ गया, और इधर ये 1-2-3-4 ये एल्डिहाइड आ गया। ठीक है, फिर इधर आपके पास, इधर से हमने इधर से देखा इसको, तो इधर ये जुड़ा हुआ है, ये CHO। अब CHO आगे फर्दर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज ये भी किसमें चला जाएगा, COH में, और ये भी COH में। ऐसे सबको तोड़ के चेक करोगे ना, तो देखना है कि ये कंपाउंड कहां बन रहा है, तो ये कंपाउंड फोर्थ में बन रहा है। आप देख सकते हो ये और ये कंपाउंड क्या है, सेम है। ठीक है, तो तोड़ के ही चेक करें, इसको बनाने की कोशिश ना करें, इनको सबको तोड़ तोड़ के चेक कर लो। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा फोर्थ। तो ये थे 20 क्वेश्चन, और होपफुली आज का पेपर का लेवल बहुत ज्यादा हाई था, बट हमें एक ऐसा पेपर देना था एडवांस के बच्चों के लिए, कि हमारे पास ऐसी कई इंक्वायरीज आई थी कि सर एडवांस के लिए भी कुछ करो, तो इसके लिए दिया है। जेईई मेन के बच्चे भी कंसेप्ट को सीखने के लिए, एडवांस और जेईई मेन कुछ नहीं होता, आप भी इस पेपर को देखें और एंजॉय करें, और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि कैसा लगा आपको, और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब किए, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। थैंक यू।